प्रति मुहूर्त प्रति बल को छक्का चौका कन्वर्ट करिवार अछि जदि विजय टीका पिंधिबा को पड़े जगन्नाथपुर टीम को ये हमको भी बताए आपको भी बताए कि बूंद बूंद से सागर भरती है लेकिन एक्का दुका से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे छक्का चौके की आवश्यकता आगे है सामने पे जो पिछली गेंद पे के छक्का जड़े थे इस बार भी गैप पे ढूंढा है फील्डर वहां पे तैनात रुकेगा नहीं गेंद चला जाएगा सीमा रेखा के पार और एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए आगे 199 पर पहुंच गया है जगन्नाथपुर क्रिकेट टीम। दस गेंदों पे 29 रन वो जो कैमियो खेल रहे हैं इस बार बिकमा के मारने की कोशिश था रन वहां पे मिलेगा नहीं हर डट गेंदे आपके ऊपर दबाव लेके आएगा। धनेश्वर लेंका सबसे बेहतरीन गेंदबाज पाटापुर क्रिकेट टीम के लिए और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी भी की है इस बारी में इस बार घुमा के खेल दिया फील्डर वहां पे नीचे सफलता मिल जाएगा नौवां छक्का लगता हुआ डायमंड क्रिकेट टीम को पारी पे थोड़ा सा ट्विस्ट और पाटापुरा क्रिकेट टीम इस मुकाबला पे अपने आप को जीवित करता हुआ आखिरी चोड़ी आखिरी मंत्रणा रन चाहिए 9 गेंदों पे 29 इस बार पल्ले और गेंद की कोई संजोक नहीं व्हाइट मिलेगा 28 रनों की आवश्यकता 8 गेंदे बचा हुआ है 200 यानी कि दोहरा शतक पूरा करता हुआ डायमंड क्रिकेट टीम बहुत ही बढ़िया पीछा किया है इस पे कोई डाउट नहीं है। इस बार घुमा के खेल दिए इनसाइड आउट पॉइंट के दिशा पे और एक के लाल जवाब छक्का स्टैंड पे किया है डिपॉजिट 206 रन। भाई देखिए क्रिकेट इज अनसर्टेन गेम कभी भी पलटवार हो सकती है अब चाहिए 22 रन इस गेंद पे छक्का चाहिए खैर इस गेंद को थोड़ा सा दर्शक दीर्घा पे भेजिए तूफानी जैसा बल्लेबाजी की आवश्यकता इस बार सेट हुआ है जी हाँ गेंद जाएगा सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा पे अब चाहिए आखिरी ओवर पे 16 रन आखिरी ओवर 6 गेंदे 16 रन हाई वोल्टेज है मुकाबला तूफान भाई इस मुकाबला को जितने भी दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं ये पैसा असूल वाला मुकाबला है जो भी दर्शक यहाँ पे टिकट लेके इस मैदान पे आके ये दोनों टीम को सपोर्ट कर रहा है तो फिर अपनी जेब से जो पैसा आपने खर्चा किया है तो उसका भरपूर फायदा उठिए। सारे दर्शक खड़ा होकर अभिनंदन करते हुए सारे खिलाड़ियों का चाहे आप पाटापुर क्रिकेट टीम की बात करें या फिर जगन्नाथपुर का दोनों टीमों ने बहुत ही बढ़िया खेल खेला है। आखिरी ओवर का खेल 6 गेंदे 16 रन हाई वोल्टेज है मुकाबला हमारे पास हमारे जो गेस्ट भी यहाँ पे बातचीत चल रहा है पहले से उस मुकाबला को देख रहे थे देवसार जो कि बहुत ही ज्यादा मजा ले रहे हैं बहुत ही लुप्त उठा रहे हैं इस क्रिकेट का क्रिकेट हो इसके जैसा हो इस तरीके की कड़ी मुकाबला आखिरी ओवर तक खेल जाए वहां पे आपको लड़ाई देखने के लिए मिले 6 गेंदे 16 रन गेंदबाज का नाम साहब लेंका सामने पे रहेंगे लापा लापा को पहली गेंद से स्ट्राइक पे लेके आना पड़ेगा तूफान को 2 छक्का लगाए थे पिछली ओवर की आखिरी गेंद पे याद में जान फूंक के दिया था 6 गेंदे 16 रन इस फाइनल मुकाबला का आखिरी पड़ाव MKCC के मैदान से लाइव 6 गेंदे 16 रन पहली गेंद पुल कर दिया है सिंगल मिल जाएगा अच्छी बात क्योंकि तूफान को आना चाहिए था स्ट्राइक पे जो अभी स्ट्राइक पे मौजूद है आप चाहिए 5 गेंदों पे 15 रन
आप उठाना है ना उठाना था। पांच गेंदे पंद्रह रन तूफान है सामने पे। गेंदबाजी कर रहे हैं साहेब लिंका, सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं, बहुत कम गेंदबाजी करते हैं लेकिन अनुभव ये इस तरीके की मंच पे काम आता है। हम देखते हैं चेन्नई सुपर किंग को जो अनुभव के साथ बहुत ही प्रभाव छोड़ता है। इस बार लगी नहीं गेंद, थोड़ा सा इंजर्ड रहेंगे। अब चाहिए चार गेंदों पे 15 रन। दो छक्का की ये खेल, दो ओवर बाउंड्री का ये खेल, मैच बहुत करीब आ जाएगा। ऐसे हिस्सा पर जब भी गेंद लगता है ना पेट की जो तितलियां है ना वो थोड़ा सा उभर कर आ जाती है, और इस तरीके की दबाव पे जब इस तरीके की चोट आ जाए तो फिर गेंदबाज के लिए बहुत ही खुश रहते हैं क्योंकि मैच हम किसी भी तरीके से जीतने की कोशिश करते हैं। और ये चार गेंदों पे 15 रन, खैर इस गेंद को क्या छक्के के लिए जाएंगे। बल्ले और गेंद की कोई संजोक नहीं, अच्छी डिलीवरी, 3 गेंदे 15 रन। ये गेंद, इसी गेंद पे जब छक्का आता है ओ सेट, फटाफट इसके बाद सिर्फ एक के गेंद का खेल बचा हुआ है दल को जीतने के लिए। 9 रन जो नामुमकिन, इस बार भी घुमा के खेल लिया है। इसी के साथ पाटापुर क्रिकेट टीम फाइनल पे, अब की बार नहीं पहली बार फाइनल पे पाटापुर क्रिकेट टीम जीता क्वार्टर फाइनल, जीता सेमीफाइनल, अब की बार था सामने पे डायमंड क्रिकेट टीम जगन्नाथपुर, उसको भी दिया सिकंजा, और इस एमकेसीसी मैदान पे अपनी झंडा को खड़ी है इस चमचमाती हुई ट्रॉफी का।